हाय गाइज, जो भी साथी कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं और जो भी साथी लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर में दक्षता रखते हैं, यानी कि टाइपिंग स्पीड हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो और सर्टिफिकेट हो, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के द्वारा कुल 35 पोस्टें वैकेंसी लेकर आई हैं। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल नेम ASL रॉय। इस पे जो भी वीडियो नोटिफिकेशन कंप्यूटर यानी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन दी जाती है, इस वीडियो के द्वारा अपलोड की जाती है। तो सब्सक्राइब कर ले। और कंप्यूटर ऑपरेटर में इसकी दक्षता कैसे है, क्या है और इसकी कितने WPM टाइपिंग स्पीड मांग रहा है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ये सब देखिए कंप्लीट। और इसमें और भी जो NCL सर्टिफिकेट क्या लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने दिन का होना चाहिए, ये सब इसमें बताया जाएगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसमें कंप्लीट वीडियो देखिए और समझ लें। कम से कम समझ लेंगे तो फिर आप खुद से मोबाइल से या फिर कहीं से भी कंप्यूटर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो फिर मुझे पता चले कमेंट में क्या है, कि समझ में नहीं आया तो फिर आपको दोबारा समझा दी जाएगी। और फिर उसमें आपको जो फॉर्म आप देखना चाहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन द्वारा जो अखबार में कटिंग आई है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर लें और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते समझ इसके कंप्लीट समझने के लिए आप आगे देखते रहिए। दोस्तों, ये वैकेंसी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की है, जिसकी कुल विज्ञापन इसकी विज्ञापन संख्या 3591। इसमें 1 वर्ष के लिए नियोजन किया जाएगा, यानी कि संविदा आधारित है नियोजन। इसमें कुल 35 पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की, प्रति माह मानदेय 15,500। इसी राशि में से वैधानिक कटौती भी की जाएगी। अगर आपकी सर्विस अच्छी रहे, आपकी सेवा अगर अच्छी रहे, आपको अगर करेक्टर अच्छा रहेगा, तो फिर इस सर्विस बढ़ा भी दी जाती है। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, इंटरमीडिएट पास चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत ADCA प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। टाइपिंग क्षमता कंप्यूटर से लिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट ली जाएगी और अंग्रेजी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। इसमें गलत बहुत कम, जितना हो सके उतना कम गलती करें, गलती नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी से टाइपिंग अच्छा होता है। फिर पत्र एवं टिप्पणी प्रारूपण का ज्ञान, यानी कि कोई भी लेटर या फिर कुछ भी कमेंट या भी लेटर वेटर अगर पढ़ने का ज्ञान हो चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 2 वर्षों का कार्य अनुभव भी डिमांड किया जा रहा है। वैसे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के कार्य अनुभव जो रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। 2 वर्ष का कंप्यूटर के कोई भी चीज़ हो उसमें आपका कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार जो हैं अपने बायोडाटा एवं सही प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बायोडाटा, यानी कि दोनों चीज़ों को लेकर निगम मुख्यालय परिवहन वीर चंद्र पटेल पटना, पथ पटेल पटना में दिनांक 17/11/2000 से 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं, यानी 17 नवंबर 2000 तक 3 बजे तक जमा कर सकते हैं या रजिस्ट्री के द्वारा भेज सकते हैं। आवेदक की कुल उम्र 1/9/2022 तक, जनरल के लिए 40 वर्ष, OBC के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 43 वर्ष, जनरल के लिए महिला के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर के लिए आरक्षित टंकक कंप्यूटर के लिए आरक्षित पद का विवरण जो है, यानी कि जनरल के लिए 9 पद है कुल, 5 पद महिला के लिए, महिला हेतु आरक्षित 35% के तहत है, यानी कि आरक्षण के तहत कुल 5 पद इसमें महिला के लिए हैं और 4 पोस्ट जो हैं वो जेंट्स के लिए हैं। आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं, 1 पद महिला के लिए रिजर्व्ड है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है, इसमें 3 पद में 2 पद महिला के लिए हैं और 1% पुरुष के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 पद महिला के लिए और बाकी 2 पद पुरुष के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, तो 2 पद महिला के लिए और 2 पद पुरुष के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 पद। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे देखिए, 4 नंबर में आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आय प्रमाण पत्र जो है और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जरूर संलग्न करें, तब भी आप आरक्षण के अनुरूप भागी होंगे।
नेक्स्ट है 5 नंबर में, आवेदक के विरुद्ध माननीय न्यायालय और थाना में कोई आपराधिक वाद, निगरानी वाद, विभागीय कार्यवाही जो है ये सब लंबित नहीं होना चाहिए। अगर लंबित है तो नोटरी का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। नेक्स्ट 6 नंबर, आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच उपरांत चयनित उम्मीदवारों को शिक्षण प्रोसेस हेतु बुलाया जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है? CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों ली जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू। साथियों इसमें जैसे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 के अनुसार योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उस भर्ती वर्ष में संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भराया सके। अगर महिला अगर नहीं हो, योग्य महिला नहीं मिले, तो पुरुष उम्मीदवारों के द्वारा भर्ती कर दी जाएगी। नियोजन के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। नियोजन के बाद पद स्थापन बिहार राज्य में स्थित किसी भी कार्यस्थल पर हो सकती है। इसके लिए विस्तृत वेबसाइट के लिए state.bihar.gov.in या PRD बिहार पर देख सकते हैं। थैंक यू।